And you are also enrolled in the IT Roper minor in AI. Share the experience for that. Like, how are the classes? How are the lectures? Yeah. And since you attended the IT Madras course, so contrast the lectures with that. माइनर इन एआई देयर आर 3 semesters, यू कैन से लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड अनदर, नॉट सेमेस्टर बट प्रोजेक्ट्स के लिए एक पार्ट है, ठीक है। सो सेमेस्टर वन में लाइक यू हैव गॉट फाउंडेशन, यू हैव गॉट सम बेसिक डेटा साइंस वाला फाउंडेशंस टू, ठीक है। इन द सेकंड सेमेस्टर वी आर टॉट लाइक एलएलएम्स एंड स्टाफ। देन इन द तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर के में जो भी पार्ट, जो दो पार्ट है उसमें एक पार्ट में एलएलएम्स, तुम्हारा वो न्यूरल लैंग्वेजेस वैसा चीज सिखाया जाता है। फिर तुम्हारे वो सेकंड पार्ट में यू कैन लाइक चूज एनी टू और टू सब्जेक्ट, देयर आर लाइक 4 और 5 सब्जेक्ट्स, यू कैन लाइक चूज एनी टू आउट ऑफ देम एंड यू कैन स्पेशलाइज ऑन देम, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू हैव टू डू अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू कैन लाइक पहले वो जो जो बोले थे, देयर वुड बी अ प्लेसमेंट ड्राइव, पीपल हु आर गेटिंग 7 CGPA एंड अबव कैन सिट फॉर इट, एंड टू सिट फॉर द प्लेसमेंट ड्राइव दे विल बी चार्जिंग एन अमाउंट, एंड इफ यू कैन गेट अ जॉब आउट ऑफ इट यू कैन पे इट थ्रू EMIs एंड स्टफ। तो वो सब तो था ही, सो इसलिए भी मैंने ज्वाइन किया। एंड आई वाज आल्सो कीन इन लर्निंग एआई बिकॉज एआई इज एवरीथिंग न्यू इन द बूम। सो या दैट वाज आल्सो रीजन आई ज्वाइन द माइनर इन एआई प्रोग्राम। एंड तुम्हारा देयर इज प्रोफेसर सुदर्शन आयंगर सर, सो ही इज वेरी लाइक इंटरेक्टिव विद स्टूडेंट्स एंड ही इज अ वेरी ग्रेट टीचर, ऑलराइट। सो एंड इन द आईआईटी माइनर तुम्हारा रूपर का जो प्रोग्राम भी है वो लोग दे एनकरेज अस, देयर आर सेशंस टू लर्न हाउ टू लाइक मतलब ऑर्गेनाइज योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, हाउ टू लाइक एक्चुअली प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कंपनीज। सो दे कीप दिस थिंग्स, दे ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीपल हु आर लाइक ब्रिंग ग्रेट इन देयर लाइक फील्ड एंड लाइक make some seminars with them, so we have to attend it. It's very like matlab very immersive program, like every day or like alternate day we are like having some or some kind of meeting, some kind of thing they are doing, there are some projects, there are some fun quizzes, everything going on. So aisa hi hai. Aur tumhara jo semester ka cheez bhi hai, semester wise like they take like if a semester is divided in two part, say like if semester one was divided in two parts, module A and module B, so in module A there will be a mid module quiz, देर विल बी एन एंड मॉड्यूल क्विज, ठीक है। तो वो 10% 15% करके रहेगा, मिड मॉड्यूल इज 10% 15% फ्रॉम एंड मॉड्यूल, सेम फ्रॉम सेमेस्टर मतलब मॉड्यूल बी, तो तुम्हारा 10% 15% दैट मेक्स द 50% ऑफ द कोर्स, 10 15 10 15, एंड 50% विल बी एन ऑफलाइन एंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। तो वो कुछ दिन पहले ही मेरा था, मैं लिख के आया, सो इट वॉज गुड। ओनली दैट मेक्स द 100% ऑफ द सेमेस्टर। सो सेमेस्टर वन वॉज डिवाइडेड टू मॉड्यूल्स एंड तुम्हारा वो एंड सेमेस्टर वाला एग्जाम भी था, और वो ऑफलाइन होता है। सो या अगेन लाइक आई गेस तुम्हारा ये सेमेस्टर जब खत्म होगा, 2 months करके एक सेमेस्टर रहता है, तो वो खत्म होने के बाद ही और एक एग्जाम होगा ऑफलाइन वाला। सो यू हैव टू गो टू द सेंटर एंड गिव दैट एग्जाम ओवर देयर। एंड तुम्हारा फॉर अ फन फैक्ट, माई IIT मद्रास एग्जाम एंड लाइक द रोपर का एग्जाम का सेंटर भी सेम जगह ही पड़ता है। सो यार TCS आयन का सेंटर जो है वो सेम ही वो लोग जेई देते हैं। मेंस का भी सेम होता है वो। हाँ, वो जेई मेन्स जेई एडवांस सब कुछ एक जगह, नीट एवरीथिंग बी टेकन, दो TCS आयन सेंटर्स होंगे एंड इट इज लाइक या सेम सेंटर फॉर द बोथ ऑफ देम। व्हाट आई वाज सेइंग, यस कंपेयरिंग टू द IIT मद्रास डिग्री, लाइक इन माय डिप्लोमा, ठीक है, लाइक पाइथन विद वाज देयर इन फाउंडेशंस, ठीक है, फाउंडेशन में पाइथन जो था, एंड दे ऑल्सो टॉट मी पाइथन इन IIT रोपर ऑल्सो, सो आई फाउंड सिमिलरिटी। एंड टू बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी, आई फाउंड इट दे टॉट मतलब दे टॉट एक्स्ट्रा थिंग्स इन पाइथन इन फ्रॉम द इन द रोपर वाला डिग्री, एंड इन तुम्हारा मद्रास का डिग्री दैट वाज लिमिटेड जस्ट फॉर द फाउंडेशन ओनली, आई वुड से। तो या दे वर लाइक टीचिंग अस नंपाई, मैटप्लॉटलिब, एवरीथिंग दे वर टीचिंग, ठीक है। तो ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, डूइंग सम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लार्ज हाउ टू डील विद बिग डेटा इन पाइथन, सो दे वर टीचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइथन इन द बिगिनिंग ओनली। व्हेन आई केम इनटू फाउंडेशन वी गॉट मशीन लर्निंग फाउंडेशंस एंड स्टफ। सो तुम्हारा जो मशीन लर्निंग फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है एंड द कोर्स ऑफ माई IIT माइनर रूपर का जो माइनर है, लाइक द फर्स्ट सेम में जो जो था ना बहुत कुछ मैच कर रहा था, इसलिए मेरा बहुत हेल्प भी हुआ, ठीक है। PCA SVM तुम्हारा जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड स्टाफ पूरा मैच मैच कर रहा था। तो या सो मशीन लर्निंग के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब तुम्हारा एंड व्हाट इन IIT रूपर का जो डिग्री है वो जो दे ब्रिंग अप मेनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होता है ना, तो वो बहुत वो लोग उठाते हैं एंड लाइक दे ऑलवेज रीड दोज थिंग्स विद लाइक AI एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद देम, ठीक है। सो द थिंग्स आर मच मोर लाइक वी कैन विजुअलाइज इट बेटर ऑफ कोर्स, एंड इट्स ऑलवेज लाइव लेक्चर्स ओनली, लाइक इन अ वीक मंडे ट्यूजडे देयर इज लाइक टू 9:30 मेन लेक्चर्स, ऑन थर्सडे फ्राइडे दे होल्ड द डाउट क्लासेस और सम एक्सटेंशन ऑफ द लाइव लेक्चर्स ओनली इफ दे वांट टू लाइक एक्सटेंड द सेम थिंग। इन सैटरडेज वी यूज्ड टू हैव ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर में सुदर्शन आयंगर सर खुद ही आके पढ़ाते थे। सो या दोज थिंग्स वर हैपनिंग, एंड तुम्हारा एट द मोमेंट वी आर ऑल्सो हैविंग दैट सेम काइंड ऑफ थिंग ओनली, आई मीन द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द IIT रोपर। तो काफी सिमिलैरिटीज हैं लाइक द मशीन लर्निंग फाउंडेशन IIT मद्रास कोर्स इन द IIT रोपर कोर्स, बट लाइक डू दे हैव एज इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड या इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री रेलेवेंस? या आई वुड से दैट दे डू, मतलब
हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के तुम्हारा जो केस स्टडीज होता है वो उठा के हम लोग को पढ़ाते हैं एंड हाउ दे कैन इम्प्लाई मतलब इम्प्लीमेंट एआई ऑन दैट थिंग टू मेक इट बेटर. ठीक है, जस्ट लाइक द बीडीएम प्रोजेक्ट वी हैव टू कलेक्ट डेटास फ्रॉम द डिफरेंट लाइक वेंडर्स एंड स्टाफ लाइक द बिजनेस वाला थिंग. सो वैसे ही चीज दे कम अप विद तुम्हारा केस स्टडीज एंड वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दे आर इम्प्लाइंग द स्टैटिस्टिक्स इन दैट थिंग. सो दैट इज द थिंग एंड स्टडिंग लाइक टीचिंग विद द केस स्टडीज ऑल्सो लाइक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग बेटर. सो या MLF is much more, I would say, a continuation of Maths 2 and Stats 2 only. All right. So, of course, it's like a just continuation of Stats 2 only, I would say. Matlab, MLF, I have not personally learned MLT. Matlab, MLT, I guess the machine learning technique is the consecutive thing after MLF. So, yeah, I have not learned MLT at the moment. So, I can't comment on that. But MLF, I feel it's a, like... In IIT Roorkee 2, it's Maths intensive, like... Continuation. No. They first only like people are actually in this course. There are much more like professional people doing. So we students are just have just passed 11, 12 and still fresh with maths. And we are in the college, so we are also like fresh with physics, chemistry. We can still manage with maths. All right, but people who are professionals and they have like lost touch with the studies and they are just doing this course to upskill themselves. All right. So after like doing that thing and if it would have been math heavy, people would have been opting out. So they keep the things as much less as possible with the maths part. So yeah, they have like said. It's more applied than like the theoretical part. अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से प्रोग्राम में एनरोल करना है देन कॉलेज विद्या एआई विल हेल्प यू फाइंड द बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी. हियर इज द लाइव डेमो ऑफ द वेबसाइट. तो सबसे पहले आपको लेवल सेलेक्ट करनी है. लेट्स से आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो. अब अगर आपको ऑनलाइन बीसीए परस्यू करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ टॉप कोर्सेज जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. नाउ यू फाउंड द कोर्सेज इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन एंड अब आपको उनको आपस में कंपेयर करना है. तो सिंपली एड द पोटेंशियल कोर्सेज टू द लिस्ट. तो पहला कोर्स ऐड हो गया. लेट्स ऐड अनदर वन. ऐड टू कंपेयर एंड क्लिक कंपेयर नाउ. तो अब आप कंपैरिजन टेबल देख सकते हो वेर यू विल फाइंड द सैंपल सर्टिफिकेट. आप फीस के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो. यू कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी प्लेसमेंट सिलेबस एटसेट्रा. तो इन टोटल इस टेबल में आप 30+ फैक्टर्स से कंपेयर कर रहे होगे यूनिवर्सिटीज को. एंड अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन अवेल फ्री काउंसिलिंग सेशन बाय कॉलेज विद्या. अब आपको डाउट हो सकता है कि वाई कॉलेज विद्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी कनेक्शंस इट प्रोवाइड्स आर 100% ऑथेंटिक. इन एडिशन टू दैट आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम वर्थ 7,000 rupees फ्री में मिल रहा होगा. यू विल गेट एक्सेस टू सीवी सब्सिडी वर्थ ₹10,000 ऑन एडमिशन एंड अब दे आर इवन फीचर्ड इन जियो हॉटस्टार ब्रांड ऑफ टुमारो सीजन 3. तो कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर एआई हेल्प्स यू फाइंड द बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन योर बजट एंड करियर गोल्स. आप ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो प्लीज विजिट द वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एक्सप्लेन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स. लाइक इट हैज लाइक इफ यू ऑफ फॉर प्लेसमेंट देयर इज लाइक एन हायर फीस. सो या कैसे होता है फीस स्ट्रक्चर? अच्छा, जो पहला था आई जॉइन द थिंग इन द फर्स्ट बैच ओनली. सो मेरे लिए वो था आई गेस द फीस हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर द कंसेक्यूटिव टर्म. So the fees which I have been admitted to, it was like 42,000 and it's right now I checked a few days back, it was 56,000. So yeah, okay. And right now in their website, they're not saying anything about the placement drive. But when I admitted in the course, it was like 42,000 for like the course fee for the total 9 months course. And if you're having the 7 CGPA plus and trying to apply for the placement rate, it was 2 lakh rupees at that time. And you can, it was a pretty much big amount. But if you can get the job, if you can get the placement, so you can have, you will have the option to pay it back in the EMI way. So yeah. That was the thing at that point. So yeah, but right now I checked their website a few days back, but it was not mentioned anywhere. So yeah, the placement wala thing. So yeah. So abhi bas wo 56,000 standalone fees hai. They are not saying anything about the placement at the moment in their website. So yeah. Is there any update on placement? Koi cohort complete hua and like. What is the update? I was admitted in the first cohort, but due to some reasons, I shifted to the second. मतलब मैं join cohort नहीं था, वो batch था. August का batch में मैंने join किया था, but I shifted to November का batch. Due to some reasons, I was like not being able to manage. So November का batch में जब आया, so August का batch का जो students है, they are still in module C. Like it would be their last term, last semester, and after completing the module C, they will be doing the project, and then they are gonna get the placement drive if there is the thing. So we have to wait for a few more months to get to know about the placement rights. And they had also mentioned like a campus immersion at the end of the course. Like how does that work? In the beginning only, they held the orientation of the course in their campus at IIT Roorkee.
I was not being, I did not go because of my personal reasons. But yeah, they did hold tumara orientation in the campus. And it was like a 2 day thing. So yeah. And after like completing the course also, like the convocation will be held over there. And in between, in the middle, they still have not like asked for us to come over there and for the campus innocent. But I guess they will do something about that. But yeah, for orientation and convocation, they're gonna be holding the thing in their campus only. So yeah. The orientation was a very great, like people from industrialists, like, and some cultural fest, everything was held in the campus and students did attend. Many students did attend. So yeah. So like, do you recommend a student doing IIT Madras course and let's say he's in foundation level or diploma level? Do you recommend, because like a very similar course structure is there in IIT Madras. So do you recommend students doing this course too? Yeah. About that thing, like if a person is interested in AI, and like they're keen to learn more and they can opt for this course, all right? So yeah, but I would say like, for if you're like just diligently rigorously doing the IIT Madras course and not with some another college or something, just standalone, they can just think that IIT Madras course will be sufficient for them with the AI part. But yeah, if they're keen about knowing and if they're like doing a not standalone course, doing with some college and being not frequent with the IIT Madras course, they can opt for this course because this is a course for a short period of time. They can complete it and it would help with their resume, and the project is also very like important project, prominent project you can put on your CV. So yeah. So like, is it fair to say like jinko like who are more placements oriented, like for now, like who want the job after 9 months or who want an internship after 9 months, it makes more sense? Or like for a student who's in foundation level who's not thinking about a placement for now, it won't make much sense? Yeah, if they're like trying to upskill very quickly, they want to get somewhere and see somewhere themselves in 9 months, so they can do this thing, and that would be like, it would be a clear goal, and they will also provide you with a project and 15 credits, and you can like also get that IIT tag from IIT Roper that IIT BS students are already getting from IIT Madras. But so people who are like chasing for the IIT tag, they can also go for the thing. But yeah, the program is also rigorous. It's not like you can get the IIT track for free, because the exam is held offline, so you have to go to the center and give the exam, and there is constant like end module and mid module exam, like, and it is also in proctored mode. It's not like some tumara non-proctored way, so it would be also in a proctored way. So yeah, and I would say the proctored in tumara IIT Roper is much more serious, because in cases of cheating and our students have been like also debarred from the course, and like always like tumara defer to kya hua semester aisa bhi hai, and like for cheating and cases, so like they also like change their policy about cheating and everything. They will be like, they're very strict about the cheating policy at the moment, and they're taking steps. So yeah, and also during the exam the computer is like getting locked and stuff if you like try to cheat. So yeah, matlab pura tumhara software install karke, like you have to like, wo Masai ka jo LMS hai, it's a very good tumhara website, you can also rely on that. Awesome. Saurajji bhai, thank you for taking the time out and doing this podcast. You can find his LinkedIn in description and connect with him. And yeah, that's it. Is channel ko subscribe kar lo aise aur videos ke liye, and bye.